Find the area of the region bounded by the parabola y equals to x square and y equals to mod of x. Okay. Y equals to x square. कैसा parabola बनेगा? Upward parabola बनेगा. ये लीजिए. Y equals to mod of x. ये lines बनेंगी. यहां तक किसी को कोई doubt है? Say no. No sir. अब शेडेड रीजन ये वाला भी है इन दोनों कर्व के बीच में और ये भी है, तो मैं कोई एक एरिया निकालकर उसको डबल कर लूंगा. ठीक है, अब बात आती है, ये तो हो गया सर जीरो जीरो. एक कोऑर्डिनेट क्या है इसके, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए पड़ेंगे. निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यहां लिखा है y equals to x square और यहां लिखा है y equals to mod of x. तो x square is equals to mod of x बोल दिया इनने. x square minus mod of x equals to zero. x common लिया तो x minus one equals to zero. अब ये mod है इसलिए x is equals to zero और x is equals to प्लस वन भी और माइनस वन भी. एक्स प्लस वन भी आएगा और माइनस वन भी आएगा. से यस. अब वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स. जब एक्स पॉजिटिव तो वाई पॉजिटिव, जब एक्स नेगेटिव तो वाई पॉजिटिव. दोनों ही केस में ये वन जीरो सॉरी वन वन और ये माइनस वन भी वन. आपको एरिया निकालना है तो आप रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है. ट्वाइस इनटू एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक इंटीग्रेट? जीरो से वन तक. पहले किसको? लाइन को. लाइन यानी मॉड ऑफ एक्स को. और फिर किसको? माइनस करके किसको? जीरो टू वन इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. क्लियर है ये? सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दीजिए. एक्स का इंटीग्रेशन क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए मॉड से कोई मतलब नहीं आपको. आप लिख दोगे इसको एक्स स्क्वायर बाय टू जीरो टू वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिख दोगे एक्स क्यूब बाय थ्री जीरो से वन और पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर डाल दोगे. दिस विल बिकम वन बाय टू माइनस जीरो माइनस वन बाय थ्री विच विल बी सिक्स वन बाय सिक्स या वन बाय थ्री स्क्वायर यूनिट्स. क्लियर? छापो.